अगर आपका प्लानर मशीन में बेल्ट मेल्ट हो रहा है, बेल्ट ख़राब हो रहा है, बेल्ट टूट रहा है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए मेरे पास से प्लानर मशीन, ये ऊट जो रंदा बोलते हैं, हैंड रंदा, इलेक्ट्रिक रंदा, और इसका मॉडल नंबर है 1900B, मकीटा का है, तो मकीटा का मॉडल है। तो इसमें ये होता है कि उसका जो बेल्ट है ये ख़राब होता है, तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल्ट क्यों ख़राब होता है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई मशीन आ रहा है तो बेल्ट ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है उसका बेरिंग, बेरिंग ख़राब होगा, बेरिंग लूज रहेगा, बेरिंग टाल रहेगा, तो इसके वजह से ये ख़राब हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है उसका पुली, पुली अगर बेंड रहेगा तो भी ये हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम ये है उसका बेल्ट, बेल्ट का क्वालिटी ख़राब होगा तो भी ये दिक्कत होगा। और लास्ट प्रॉब्लम ये होता है कस्टमर अगर जो मिस्त्री चलाता है मशीन, वो उसका जो एडजस्टिंग प्लेट रहता है उसको ज़्यादा टाइट कर लेता है, वो जल्दी काम करने के वजह से ये दिक्कत होता है। अगर ब्लेड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो बेल्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है, तो इसके वजह से ये दिक्कत होता है। बट इसमें दोस्तों नॉर्मल ये प्रॉब्लम था कि उसका बेल्ट टूट गया था, ज़्यादा टाइम के लिए हो गया था, और इसमें ये प्रॉब्लम था कि उसका बेल्ट ख़राब हो गया था। तो पहले से भी ये बेल्ट ख़राब हुआ था तो उसको भी मैं उसका थोड़ा क्लीन कर लिया, मैं उसका जो पुली रहता है उसमें अगर कोई ख़राब चीज़ है मेल्ट होके बैठा है उसको क्लीन करना है, फिर उसको बेल्ट लगा लीजिए। अगर आपके पास ये कस्टमर लेके मशीन आ रहा है तो ये 3-4-5 प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हो, बाद आप देख सकते हो कोई और इशू नहीं होगा। यहाँ पर मशीन चलाएँगे, देखिए बिल्कुल सही चले, कोई और इशू नहीं है। सबसे मेन कारण प्रॉब्लम रहता है ये जो बेल्ट ख़राब होने का, बेरिंग प्लस उसका बेल्ट, ये ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।